हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सट्रीमली सुपर। दोस्तों, अगर आपने इसके पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, क्योंकि पुरानी स्टोरी जाने बिना आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। एपिसोड्स और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सैंडाक को ये पता चल गया है कि पिज महल के अंदर ही है। फिर सैंडाक का सैनिक बोलता है कि हमें जहाज़ के अंदर से एक सिग्नल मिल रहा है, और वो सिग्नल पिज का होता है, जिसमें वो अलूरा से बात कर रहा होता है, जिसमें अलूरा पिज को बता रही होती है कि इन लोगों को इस जहाज को ठीक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए तुम जल्दी से इस सील्ड को बंद कर दो ताकि हम महल के अंदर आ सकें। तुम जल्दी से नीचे जाओ और वहाँ पर जाकर इस सील्ड के जनरेटर को बंद कर दो। ये सुनकर सैंडाक को पता चल जाता है कि पिज जनरेटर को बंद करने महल के नीचे जा रहा है। वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है, जाओ और इस चिलगोजे को ख़त्म कर दो, और तुम जल्दी से इस इंजन को ठीक करो ताकि हम जल्दी से इस वोल्ट्रॉन को लेकर सम्राट जारकोन के पास पहुंच सकें। दूसरी तरफ हमें हंक और कोरान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उनका जहाज क्रैश हो गया होता है और गालरा का जहाज उन्हें ढूंढने के लिए नीचे आ रहा होता है। और इससे पहले कि गालरा का जहाज उन्हें देखता, वहाँ के कुछ लोग उनकी मदद करते हैं और उन्हें छिपा लेते हैं, और वो लोग गालरा से बच जाते हैं। इधर पिज उस जनरेटर को बंद करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही गालरा के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं, और अलूरा उसकी मदद करने के लिए अपने चूहों से बात करती है जो महल के अंदर ही होते हैं। पिज भी उन सैनिकों से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो लोग उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। इधर कोरान और हंग बालमीरा के लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा एलियन बोलता है कि बालमीरा पर हमारे जैसे हजारों लोग रहते हैं, हम इन्हीं गुफाओं में काम करते हैं और इन्हीं में रहते हैं। जारकोन हमसे ज़बरदस्ती इन क्रिस्टल्स की खुदाई करवाता है। तो उन्हीं में से एक लड़का बोलता है कि अगर जारकोन को पता चल गया कि हमने इन लोगों को छिपा रखा है तो वो हमारे पूरे परिवार को मार देगा। बालमीरा पर जो भी आता है वो बस कुछ ना कुछ लेने ही आता है, बदले में कुछ नहीं देता है। तो उसकी बहन बताती है कि पुराने समय में जो भी लोग बालमीरा के क्रिस्टल लेने आते थे तो बदले में बालमीरा को ऊर्जा देते थे जिससे कि बालमीरा चल सके, लेकिन गालरा तो बस लेता ही है और इस बेचारे प्राणी पर अत्याचार करता है। तो हंक बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हमारी वजह से तुम सबकी जान खतरे में आ गई है, लेकिन जैसे ही हमें वो क्रिस्टल मिल जाएगा हम तुरंत ही यहाँ से चले जाएंगे। कोरान बताता है कि उन्हें एक बैटलशिप लेवल का क्रिस्टल चाहिए। तो वो एलियन बोलता है कि बैटलशिप लेवल के क्रिस्टल बहुत ही कीमती होते हैं, इसलिए गालरा के सैनिक हर समय उनकी रक्षा करते हैं, तो वो तुम्हें तो मिल ही नहीं पाएंगे। तो वो एलियन लड़की उन्हें बताती है कि उसे एक क्रिस्टल कुछ ही हफ्ते पहले मिला था जिसे वो लोग ले सकते हैं। इधर पिज भी उस जनरेटर को बंद करने जा रहा होता है, और वो चूहे भी अलूरा के कहने पर उसकी मदद करने जा रहे होते हैं। हंक अपने जहाज को ठीक कर रहा होता है ताकि वो इस बालमीरा से वापस जा सके, और वो एलियन लड़की भी उससे बात कर रही होती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये एलियन गालरा की वजह से हमेशा से इन्हीं गुफाओं में रह रहे हैं, और इन्होंने कभी आसमान को भी नहीं देखा है, तो इनको पता ही नहीं है कि आसमान दिखता कैसा है। और फिर हंक उसे बताता है कि वो वोल्ट्रॉन का एक योद्धा है, और वो एक दिन उन सभी लोगों को गालरा की कैद से आज़ाद कराएगा। इतने में उस लड़की का भाई वहाँ आ जाता है और बोलता है कि झूठी कहानी सुनाना बंद करो, और अपनी बहन को अपने साथ ले जाता है। इधर गालरा सैनिक महल को उड़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और वहीं पर पिज भी उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और मशीन को हैक करके उनकी पावर को ओवरलोड कर देता है, जिससे एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है और पिज भी नीचे गिर जाता है। तो फिर गालरा का वो सैनिक बोलता है, क्या तुम ही हो वो जिसने हमारे नाक में दम कर रखा है, एक छोटा सा बच्चा? तो पिज बोलता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं वोल्ट्रॉन का एक योद्धा हूँ। तो वो सैनिक हंसता है और बोलता है, बच्चे, मैं गालरा साम्राज्य का एक सैनिक हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, हमें बस दो ही चीज़ें रोक सकती हैं, जीत या फिर मृत्यु। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो पिज को मानने वाला होता है, पिज का छोटा रोबोट उस सैनिक पर हमला कर देता है और पिज को बचा लेता है, लेकिन पिज को बचाने के चक्कर में वो रोबोट भी नीचे गिर जाता है। फिर सैंडाक पिज को बोलता है कि अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे इस लीडर को मार देंगे।
इधर कौरान और हंक देश बदलकर उस क्रिस्टल को लेने जाते हैं, लेकिन वो सैनिक उनसे एक आइडेंटिफिकेशन कोड मांगते हैं, लेकिन उन लोगों को वो कोड नहीं पता होता है। इसलिए कौरान और हंक उन सैनिकों पर अटैक कर देते हैं और फिर कौरान बालमीरा से वो क्रिस्टल मांगता है, लेकिन जैसे ही उन्हें वो क्रिस्टल मिलता है इतने में गालरा के सैनिक वहाँ आ जाते हैं और कौरान और हंक को कैद कर लेते हैं। लेकिन वो एलियन लड़की उनकी मदद करती है और उन्हें उस कैद से छुड़ा लेती है और बताती है कि गालरा ने वो क्रिस्टल उसे ऊपर ले जाने के लिए दिया था, लेकिन उसने वो क्रिस्टल उनके जहाज में रख दिया है, लेकिन जल्दी उन सैनिकों को उसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए तुम लोगों को जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही कौरान और अंक अपने जहाज के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि गालरा के सिपाही पहले ही उनके जहाज के पास पहुँच गए हैं और फिर वो एलियन लड़की बालमीरा से मदद मांगती है और वहाँ एक भूकंप आ जाता है। हंक और कौरान वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक उस लड़की को पकड़ लेते हैं। हंक उस लड़की से बोलता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा और फिर हंक और कौरान वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गालरा के सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं। गालरा के सिपाही बहुत सारे होते हैं और वो लोग उनसे बच नहीं पा रहे होते। तभी हंक सुपर स्पीड मोड ऑन कर देता है और उनका जहाज वहां से निकल जाता है। इधर सेंडाक सीरो को बोल रहा होता है कि पहले तो तुम मेरी कैद से भाग गए, लेकिन इस बार कहीं नहीं जा पाओगे और इसके बाद तो मैं पूरी पृथ्वी पर जाऊंगा और तुम्हारे इस पूरे ग्रह को अपना गुलाम बना लूंगा और उनका भी हाल तुम्हारे जैसा होगा, क्योंकि अब तो हमारे पास वोल्ट्रॉन भी है। और इधर वो चूहे उस सैनिक पर हमला कर देते हैं और उस सैनिक को मारकर महल की सील को बंद कर देते हैं, जिससे अलूरा और कीथ महल के अंदर आ जाते हैं। पिच सीरो को बचाने जाता है, लेकिन सेंडाक उसे पकड़ लेता है। इतने में ही कीथ और अलूरा वहीं पर पहुंच जाते हैं और लांस सेंडाक पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन अटैक करने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही जख्मी होता है। उन लोगों की लड़ाई होती है और फिर वो लोग मिलकर सेंडाक को पकड़ लेते हैं। हंक और कौरान भी क्रिस्टल लेकर महल पहुंच जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। वो लोग लांस को भी हीलिंग कैप्सूल में सुला देते हैं ताकि उसका इलाज हो सके और पिज भी टीम के साथ रुकने को तैयार हो जाता है। पिज बोलता है कि चलो अब मिलकर इस चारकोन की बैंड बजाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।